नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई एग्जाम सॉल्यूशंस में दोस्तों आज हम इसरो का पेपर सॉल्व करेंगे और सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपका इसरो यूआरएससी में आने वाला है तो आप इसरो के पेपर से इसरो यूआरएससी के पेपर की तैयारी इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन मैंने अपने टेलीग्राम लिंक पे ऑलरेडी डाल दिया है तो आप वहाँ से इसका सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है इफ थ्री कैपेसिटर ऑफ फाइव टेन एंड फिफ्टी फैर आर कनेक्टेड इन पेलर वट इज दी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस तीन पांच दस और पंद्रह फेरेट के समांतर में यदि जोड़े हुए हैं तो प्रभाव

फॉर अर्थ एंडी एक्सलाइन पोली एथलाइन दोस्तों क्रॉस तो एक्सएलपी के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होती है और इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अच्छी होती है इसकी थर्मल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा अच्छी होती है साथ में इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा अच्छी होती है तो इसलिए

हायर ऑपरेटिंग टेम्परेचर में हम इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसी वजह से हम XLPE केबल में हाई करंट लोड को भी अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों केबल को भी रजिस्ट करती है अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की तो XLPE केबल को अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करा जाता है और इसको मीडियम से हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में भी यूज करा जाता है क्योंकि इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी होती है सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस लिंक पोलियसलाइन केबल क्वेश्चन नंबर थ्री है एमसीसीबी क्या है वट इज एमसीबी ए मोटर करंट सर्किट ब्रेकर बी मिनिमम करंट सर्किट ब्रेकर सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर एनडी मैक्सिमम करंट सर्किट ब्रेकर दोस्तों एमसीसीबी को बोला जाता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर और दोस्तों एमसीसीबी काफी ज्यादा वर्सेटाइल इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है यानी कि इसको अलग अलग एप्लीकेशन रेंज में यूज करा जा सकता है और दोस्तों एमसीसीबी के क्या क्या एडवांटेज होते हैं एमसीसीबी को डिफरेंट वोल्टेज रेंजेस और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस के लिए यूज करा जा सकता है और इसको अलग अलग करंट रेटिंग में भी यूज करा जा सकता है इसकी करंट रेटिंग पंद्रह एमपेयर से लेकर पच्चीस सौ एमपेयर तक की हो सकती है यानी कि करंट रेटिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट एप्लीकेशन में कितना ज्यादा वर्सेटाइल है है। और दोस्तों एमसीसीबी इक्विपमेंट को किससे प्रोटेक्ट करता है ये इक्विपमेंट को थर्मल ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से बचाता है so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोल्डेड मोल सर्किट ब्रेकर क्वेश्चन नंबर है सामान्य लेड एसिड बैटरी के प्रति सेल का वोल्टेज क्या होगा स्टैंडर्ड वोल्टेज सेल ऑफ लेड सेलिड बैटरी सी टू वोल्ट एंड डी ट्वेंटी फोर वोल्ट दोस्तों यह मैंने एक टेबल तैयार करा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बैटरी की रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है दो तरह के हमारे सेल होते हैं प्राइमरी सेल होता है एक सेकेंडरी सेल होता है तो प्राइमरी सेल तो और सेकेंडरी सेल में क्या मेन डिफरेंस होता है सेकेंडरी सेल हमारे रिचार्ज होते हैं, उनको बार बार रिचार्ज करके उसकी एनर्जी को दोबारा यूज करा जा सकता है। अगर हम कार्बन जिंक की बात करें तो इसकी रेटिंग होती है क्लोराइड की वोल्टेज रेटिंग होती आयरन की वोल्टेज रेटिंग होती है वन पॉइंट टू फाइव सिल्वर जिंक की वोल्टेज रेटिंग होती है और सिल्वर कैडियम की वोल्टेज रेटिंग होती है इस टेबल को याद कर लेना होगा ऑप्शन नंबर सी टू वोल्ट ऑल दो

का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है जब भी करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा और दोस्तों मीटर के अंदर लगा होता है करंट ट्रांसफॉर्मर जो इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन को सेंस करता है करंट की रेटिंग को कम कर देता है ताकि हम करंट को इजिली मेजर कर सके सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लैंप मीटर क्वेश्चन नंबर सेवन है इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए कौन से संगठन का उपयोग किया जाता है विच कम्पोनेट इज यूज टू इंप्रूव दी पॉलर फैक्टर ऑफ एन इंडक्टिव लोड ए रजिस्टर बी इंडक्टर

क्टिव पावर जनरेट होती है तो ये फेस डिफरेंस क्रिएट करती है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट जिसकी वजह से इसका पावर फैक्टर लो हो जाता है बेसिकली क्या होता है दोस्तों इंडक्टिव सर्किट में अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो करंट लैक करता है वोल्टेज से एंगल पर इंडक्टिव लोड के केस में और हमने क्या करा है हमने एक कैपेसिटर को यहाँ पे पैल में एड करा है इंडक्टिव लोड के तो जब हमने कैपेसिटर को पैल में एड करा तो वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल में कुछ डिफरेंस आ गया यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल थोड़ा और कम हो गया इस वजह से इसका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया फॉर एग्जाम्पल जो पहले वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल था वो 60 डिग्री था जब हमने कैपेसिटर को ऐड कर दिया तो इसका फेस एंगल कैपेसिटर मतलब तो का बिहेवियर इंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है और दोस्तों कैपेसिटर क्या करता है ये रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है तो इसका मतलब क्या हुआ की जो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करी है इंडक्टिव लोड ने उसको कंपेसेट कर रहा है

किलोवॉट रियल पावर का सिंबल होता है P और इसको दर्शाया जाता है वॉट से या किलोवाट से दोस्तों जो पावर सोर्स और लोड के बीच में एक्सचेंज होती है ड्यू टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर उसको दर्शाया जाता है रिएक्टिव पावर से और दोस्तों अपेरेंट पावर क्या है यह है टोटल पावर यानी कि बोथ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर और इसे बोला जाता है अपेरेंट पावर जिसका सिंबल होता है S और इसे दर्शाया जाता है VA से तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना रिएक्टिव पावर होती है वी ए आर आर का मतलब आप समझ लेना रिएक्टिव और अपेरेंट पावर होती है केवल वी ए आप इस पावर ट्राइंगल से भी इसे समझ सकते हैं so दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के वी ए आर क्वेश्चन नंबर नाइन है विद्युत शॉक को रोकने के लिए सर्किट में किसका उपयोग किया जाता है वट इज यूज इंग सर्किट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक ए एम सी बी बी एम सी सी बी सी अर्थर एंड डी आर सी सी दोस्तों अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है तो हम यूज करते हैं आर सी सी बी का इसकी परफॉर्म होती है रेसिड्यूएल करंट सर्किट ब्रेकर एम सी बी

करेगा यानी कि दोनों के करंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा और दोस्तों फॉल्ट की कंडीशन में में क्या होता है वायर वायर और न्यूट्रल के के करंट बीच डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हम एक करंट की वैल्यू को सेट कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं वैल्यू वैल्यू जब करंट से ऊपर चला जाता है तो आरसीबी का सर्किट ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं दोस्तों आरसीसीबी सर्किट को हम रेसिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया दोनों में लगा सकते हैं रेसिडेंशियल एरिया में हमें थर्टी मिली एमपियरिट की जरूरत होती है वही इंडस्ट्रियल एरिया में हमें हंड्रेड मिली एमपियर

56 सिक्स किलो ओम के लिए रंग कोड क्या होगा द कलर कोड ऑफ 56 सिक्स किलो ओम इज ए येलो वायलेट ऑरेंज बी ब्राउन ब्लैक रेड सी ग्रीन ब्लू ऑरेंज एंड डी ऑरेंज ब्लू ग्रीन तो दोस्तों अगर हमें कलर कोड दिया हो तो रजिस्टेंस के को कैसे निकाला जाता है इसका फॉर्मुला होता है टू ए बी मल्टीप्लाई में सी प्लस माइनस यहाँ पे ए और बी क्या दर्शा रहा है ए और बी कलर का रजिस्टेंस दर्शा रहा है सी क्या इंडिकेट करता है यह मल्टीप्लाईज को इंडिकेट करता है यानी कि यह पावर को इंडिकेट करता है जैसे की टेन की पावर वन टेन की पावर टू टेन की पावर थ्री और डी का इंडिकेट करता है

दो चीज़ें दे रखी है रेजिस्टेंस दे रखा है हमें हंड्रेड ओम का और वोल्टेज कितना दे रखा है ट्वेंटी वोल्ट का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में रेजिस्टेंस गलती से थाउजेंड ले लिया था तो दोस्तों पावर के दो तीन फॉर्मूले होते हैं एक होता है पी इक्वल टू वी इंटू आई दूसरा होता है पी टू वी स्क्वायर ओपन आर और एक और होता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर तो अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो हमें और वोल्टेज और रजिस्टेंस दे रखा है तो हम यूज करेंगे पी इक्वल टू वी स्क्वायर ओपन में आर वाला फॉर्मुला तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे ट्वेंटी है तो वी स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी और रजिस्टेंस कितना है हमारा हंड्रेड तो इस जीरो से ये जीरो कटा इस जीरो से ये जीरो कटा

करियर को कलेक्ट करता है वो मेजोरिटी कैरियर भी हो सकते हैं वो क्योंकि कलेक्टर को, इसका को करना पड़ता है। इसका रीजन सबसे बड़ा बनाया जाता है तो अगर हम बीजेटी में विध की बात करें तो कलेक्टर की, की और सबसे कम बेस की होती है और अगर हम डोपिंग लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर में, में होती है और बेस में होती है। so, दोस्तों बेस क्वेश्चन सेवन का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर का मन क्या है वैल्यू स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव स्क्वायर दोस्तों सपोज करते हैं हम फिफ्टी फाइव को लिख लेते हैं ए और फोर्टी फाइव को लिख लेते हैं बी तो ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी तो यहाँ पे एक है 55 फाइव प्लस फोर्टी और 55 फाइव माइनस फोर्टी तो 55 फाइव प्लस फोर्टी कितना हुआ 100 हुआ और 55 फाइव माइनस फोर्टी कितना हुआ 10 हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000 सो so, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1000 क्वेश्चन नंबर 18 है किसी डीसी मशीन में दक्षता अधिकतम तब होती है जब इन डीसी मशीन डी सशीनसी मैक्सिमम वेन ए कॉन्टेंट लॉसिज इज लेस देन वेरियबल लॉसिस इज इक्वेस टू वेरियबल लॉसिस सी कॉन्स्टेंट लॉसेज इज ग्रेटर देन वेरियबल लॉसिस एंड डी इसमें से कोई

इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट में से क्योंकि तब केवल रेजिस्टिव पाथ अवेलेबल रहेगा यानी कि उस समय एक सर्किट डीसी सर्किट की तरह काम करता है तो दोस्तों क्वेश्चन में कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है होती है 2 पाई एफ एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है एक्स सी बराबर हो जाता है एक्स यानी कि 2 पाई एफ एल के बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 2 एफ सी तो अगर इसको ऊपर लेके गए तो 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 कितना हो जाएगा? 2 fc, में 2 fl. तो ये हो जाएगा 4 square f square lc. तो f कितना हो जाएगा पाई 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 मल्टीप्लाई में ये दोस्तों स्क्वायर स्क्वायर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के इंसुलेशन की परमिटिविटी चार है अगर इंसुलेशन की परमिटिविटी को बदलकर दो कर दिया जाए तो

के समानुपाती है वो रिलेटिव परमिटिविटी के समानुपाती है तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी आधी हो जाएगी तो केबल का कैपेसिटेंस भी यहाँ पे आधा हो जाएगा और अगर रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे डबल हो जाती तो केबल का कैपेसिटेंस भी पे डबल हो जाता सो तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाफ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग